महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वैश्विक अर्थव्यवस्था G20 के विषय, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, आर्थिक अपराध, कृषि और स्वास्थ्य। तो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते चल रहे हैं क्या कुछ मुद्दे कृषि और स्वास्थ्य, पर्यावरण संतुलन G20 के विषय रहने वाले हैं, जो कि चर्चा इसके तहत जो है वो की जाएगी। तो दुनिया की GDP में 85% योगदान भारत का, वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% हिस्सेदारी। विश्व की जनसंख्या में 7%, आपको बता दें 60% भागीदारी है भारत की। दुनिया के कुल निवेश का 80% सहयोग। दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 60% हिस्सा है। ₹40 लाख क्षेत्रफल में बना है भारत मंडपम। G20 का वैश्विक का प्रभाव क्या कुछ रहने वाला है वो आपको बता रहे हैं। 12 एग्जीबिशन हॉल और एक साथ 13,000 लोग बैठ सकेंगे। 26 पैनल के डिजिटल दीवार बनाई गई है। पैनल में टच स्क्रीन, 16 भाषाओं में ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट है। पैनल पर दिखाई आएगी भारतीय लोकतंत्र की पूरी कहानी। तो वैदिक काल में से 2019 के चुनावों तक की यात्रा का प्रदर्शन इन डिजिटल वॉल्स पर किया जाएगा। 7,000 साल पुरानी टार्जिंग गल की मूर्ति भी दिखाई जाएगी। तो ये खासियत यहां पर रहने वाली है। आपको बता दें पीएम मोदी विशेष ध्यान जो है वो यहां पर रख रहे हैं हर तैयारी का। हस्तशिल्प और चित्रकला को प्राथमिकता जो है वो इस प्रदर्शनी में दी गई है। परंपराओं को यहां पर प्राथमिकताएं दी जा रही हैं। गर्मजोशी का एहसास दिलाएंगे भारत के उपहार। G20 सदस्यों को मिलेंगे खास उपहार। तो ये खासियतें यहां पर रहने वाली हैं। 29 देशों के संस्कृति की झलक जो है वो इस दौरान देखने को विदेशी मेहमानों को मिलेगी। उसके साथ ही विविधताओं से रूबरू होंगे तमाम जो प्रतिनिधि हैं, क्योंकि तमाम देशों से आए हुए प्रतिनिधि हैं। बता रहे आपको वसुधैव कुटुंबकम की सोच दर्शाएगा ये पूरे का पूरा गलियारा। ये व्यवस्था यहां पर की गई है। साथ ही आपको बता दें कि G20 समिट को लेकर सरकार की तरफ से पूरी यहां पर तैयारियां जो है वो की गई और उसकी तस्वीर भी हमने देखी। तमाम जो विदेशी मेहमान थे वो यहां पर पहुंच चुके हैं। समिट में दिखेगी चंद्रयान की भी यात्रा। उस यात्रा को भी प्रदर्शित जो किया जाएगा जो चंद्रयान ने की है।